अब वफा मुमकिन नहीं ये सिलसिले क्यों हैं रात तुम घंटों वहां रहे मुझे तो लगा तुम डेट फिक्स करके आओगे मान सच रात देर तक हम दोनों तुम्हें ही डिस्कस करते रहे हम दोनों का आर्गुमेंट भी यही था कि ना तुम दोस्ती के लायक हो ना मोहब्बत मोहब्बत में मेरी लत नहीं चलती लेकिन दोस्ती में बुरा नहीं एक्चुअली तुम किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते लोग तुम्हारी मासूमियत पे धोखा खा जाते हैं कोई तुम्हें दोस्त समझने लगता है और किसी को तुमसे मोहब्बत हो जाते हैं सोया मुझसे मोहब्बत नहीं करती कहा उसने पता चल गया मुझे शादी के लिए 55 साल मांग रही ये मजाक नहीं है सिराज अंकल शी मीन्स इट उसे किसी ने कहा होगा कि माया 55 साल बाद मर जाएगी बहुत मुश्किल है यार सोचने में अजीब लगता है कि फारिस ने माया को तलाक देकर उसकी बहन से शादी कर ली चले एक बार सोच लो माया अदालत सिर्फ 10 फीट के फासले पे है फिर केस फाइनल हो जाएगा समन जारी हो जाएगा एक दफा 10 फुट का यह फासला चलकर वापस आ जाओ आने जाने में अगर पांव लड़ खड़ा नहीं कर तो साथ चलूंगी तुम्हारे ये तो बस जाब्ते की कार्रवाई है मेरा दिल भी यही कहता है कि वो पहले ही नोटिस पर तुम्हें डिवोर्स दे देगा चल कर दिखाऊं दिखाओ कहीं भी लगा कि लड़खड़ा जाऊं नहीं लगा तो फिर चलें हाँ चलो सब समझती हूं मैं दिल की बातों के बहाने पता नहीं क्या क्या कह रहा था साफ बताओ क्या कह रहा था साफ कुछ भी नहीं कहा बस यूं लग रहा था कि अभी कहेगा क्या कहेगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं लुबना मैं तो बस बात पूरी की है आई डिडंट मीन इट अब ये देखा आपने और सोचा तुमने कुछ मैं क्या सोचूं जब कोई खेल रहा हो तो खेलते हैं उसके साथ मतलब रहने दो
तुम जैसी डरपोक लड़की क्या कर सकती है? सज्जो अंकल, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, डोंट कॉल मी डरपोक। उसे जाके कह सकती हो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। आई एम नॉट अ फूल। यू आर अ डैम फूल। मैं उसे जाके कह दूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसे फौरन पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। यहीं पे तो तुम रह जाती हो बेवकूफ लड़की, उसे पता ही ना चलने दो। अपने दिल से कहो कि परफॉर्म करे तुम्हारे साथ। दिल से निकली हुई बात थक करके दिल को लगती है। खसियाना होकर बोलेगा, तुम मजाक कर रही हो ना? और तुम कहना, मैं दिल से कह रही हूँ फारिस, और दिल ना कभी झूठ बोलता है ना मजाक करता है। समझो गया मतलब? मतलब काम से गया। काम से तो वो कब से जा चुका है। अब एक और जरूरी काम है जिससे उसका जाना जरूरी है, वरना वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। मुझे कुछ काम नहीं है उससे। बदला लेना है उससे या नहीं? तो बैठ कर सोचो, प्लान करो। जब प्लान कर लो तो अपने दिल को समझाओ कि उसका सपोर्ट करना तुम्हें बहुत जरूरी है, वरना वो समझेगा कि यू डोंट मीन इट। अभी जाके कह दूं? इतनी जल्दी क्या है, टाइम लो बाबा। और वैसे भी ये बातें दफ्तर के लिए माकूल नहीं है, पूरी तैयारी करो। मतलब लाइनें क्या बोलोगी? पुरानी फिल्मों के मुकालमे याद करो, ऐसी ऐसी लाइनें जो मुंह से निकले और दिल को चीरते हुए निकल जाए। एक्सप्रेशन मुकालमे से ज्यादा जरूरी है, एक्सप्रेशन। और उसके लिए दिल का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर वो मान गया तो और क्या चाहिए तुम्हें? मतलब Then you are successful. वो तुम्हें उल्लू बना रहा था, तुमने उसको उल्लू बना दिया। तब मैं सोचना शुरू कर दूं? शर्म करो, जाओ अच्छी सी कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। अभी लाइक विदाउट शुगर। ओके। हेलो। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया। ये तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि जब तक 55 साल नहीं गुजरते हम दोनों फोन पर तो बात कर सकते हैं ना? बात तो हम कर रहे हैं। एक बात और, 55 साल बड़ा लंबा अरसा है, अगर बुरा ना लगे तो बीच में एक आज शादी कर लूं? कर रहे। तुम्हारा मतलब यही है ना कि मैं शादी कर लूं? ऑफ कोर्स, मैंने भी इसीलिए फोन किया है आपको। किस लिए? यही पूछने के लिए कि 55 साल बड़ा लंबा अरसा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो तब तक मैं भी एक आध शादी कर लूं। ये बात तुम्हारे मुंह पर सच ही नहीं सुना। I was just kidding. But I wasn't kidding. किसी का कर्ज चुकाना है मुझे, और उससे शादी के बगैर चुकाया नहीं जाएगा। मैडम ने आपके लिए कॉफी भेजी। रखो। नहीं, ले जाओ। सलाम छोटी बीवी। टीपू कहाँ है? ऊपर आखिरी वाले कमरे में।
अरे तुम यहां बैठो मेरे पास। अब ये मत पूछना कि माथे से क्या हुआ था। इसका तो मामा को भी पता है, पापा को भी सुनकर गुस्सा आया था लेकिन कुछ कहा नहीं। कहाँ है वो डायन? माइंड योर लैंग्वेज, शी इज योर भाभी। बस भी करो टीपू, अब क्या जूते खाओगे उसे? हाँ एक जूता तो मार दिया है उसने, देखा ना। बस अब डिवोर्स दो उसे। डिवोर्स के लिए नोटिस भिजवाया है उसने। चलो अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ बेवकूफ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। वो रहेगी मुंह दिखाने के लायक? इसका भी तो दुख है मुझे, मैं तो सह लूंगा। वो बेचारी क्या करेगी, वो लड़की है ना मुजना। वो भी कोई लड़की है, कभी यहाँ कभी वहां कभी। ऐसी होती है लड़की तुम्हारे जैसी, एक बुरी बात मुंह से निकली तो शर्म से मर गए। लो मैंने तो रुला दिया तुम्हें। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, वेरी बैड। चलो बस, मेरी बहन जैसी अच्छी कोई नहीं। बताओ किस लिए आई हो? तुमसे मिलने। झूठ, तुम मुझसे कुछ कहने के लिए आई थी, अब तुमसे कहा नहीं जाता। नहीं कहूंगी। क्यों? नहीं कह सकती ना, नहीं कह सकती। लेकिन इतना कह सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो उसे लेकर रात को घर वापस आ जाना। तुम पापा की कसम। जा चुकी है, पैकिंग कर रही है, जाओ देखो जाकर। मेरी तरफ से तो जहन्नम में जाए, मुझे परवाह नहीं होगी। Who is it? I said, who is it? मैं हूँ फारिस। Wait, I'm busy in packing. Packing what? ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? ये packing? पुराने कपड़े निकाल के पैक किए हैं, सुबह नौकरानी को दे दूंगी, मेरी जितनी बेटी है उसकी। मैं समझा भाग रही हूं। आप बहुत कुछ समझ लेते हो, बस कोई आपके कान में डालता है। एंड यू आर इन द हैबिट ऑफ बिलीविंग पीपल। कोई काम था? बहुत रोखा बोल रही हो तुम तो। मेरी हेल्प करो प्लीज। पता है नफरत किनसे होती है? जिनसे कभी मोहब्बत करते हैं। इसलिए दुआ करो तुमसे कभी नफरत ना हो, वरना सीरियस किस्म का अफेयर चलाना पड़ेगा तुमसे।
आपके पास कुछ भी बोल देने का लाइसेंस है, मेरे पास कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि दोस्ती में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता? मैं दोस्ती में सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर उसे एक बात पर खफा हो तो सॉरी कह दो। हाँ सॉरी। सॉरी दिल से कही है। ऐसी बातें कहने के लिए दिल का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। I'm sorry, लुबना। That's it. अब एक आखिरी बात भी कह दूं, पूरे एक्सप्रेशन के साथ, और कसम खाकर कहता हूं दिल भी पूरी तरह परफॉर्म करेगा। मुझे कभी छोड़ कर ना जाना, चाहे किसी रोज तुम्हें रहना बुराई क्यों ना लगे, चाहे मैं ही क्यों ना बुरा लगने लगा। Very well performed. बात दिल को लगी? खाने पर मिलता है। क्या हो रहा है? कमरे की सफाई करा रही हूं। वजह? वो आ रहा है मामा धोकर चाटने। वो तो कहकर गया था कि कभी नहीं आएगा। मैंने पापा की कसम दी है उसे। ओ, तो अबड़ों का खून जोश मार रहा है। खून की यही तो प्रॉब्लम है मामा, सौतेले की रगों में भी हो तो सौतेला नहीं होता। किसकी जबान बोल रही हो? आप जबान से डर रही हैं, उससे डरिए जो बीवी को साथ लेकर आ रहा है। वो तो पुरानी बदतमीज है, ऐसी वैसी बात सुने तो आग के लपके की तरह पड़ती है, और अगर रोप जमाओ तो प्लेट उठाकर मारती है। टीपू आए तो उसके माथे पे जख्म का निशान देखिएगा, अभी तक भरा नहीं है। क्या देख रहे हो तुम, काम करो अपना। जी बीबी जी। सफाई हो जाए तो इसे मेरे कमरे में भेज देना, पैकिंग में मेरी मदद करेंगे। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। सफाई रहने दो, पहले जाके मामा के साथ उनकी पैकिंग करो। ठीक है बीबी जी, मैं जा रहा हूँ। टीपू उसे जबरदस्ती लेकर आया है, सोचिए कितने गुस्से में होगी वो, इसीलिए गुस्सा मत दिखाइएगा उसे। हाँ जी। चल। आइए मामा, हाथ पकड़ कर लेकर आए इनको अंदर दोनों को। आज आपकी बहू घर में पहला कदम रखेगी। मैंने कहा था कि पैकिंग कर रही होगी। और मैं सचमुच पैकिंग कर रही थी। फिर तो गुब्बारे से हवा निकल गई होगी। खुश हो गए थे हजरत, पर आपको पता है उसने जाने से पहले कहा क्या? क्या? मुझे कभी छोड़ के ना जाना, बेशक मुझे जितना बुरा लगने लगे, बेशक ये घर क्यों ना बुरा लगने लगे। तैयारी हो गई? तैयारी। चार घंटे हो गए तुम्हें घर आए हुए, कोई फिल्म देखी?
पहले मैंने सोचा कि देख लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर दिल ने पूरी तरह परफॉर्म करना ही है तो बोलने के लिए मुकाबला भी ढूंढ ही लेगा। खाने पे मिलते हैं। रात को शब खून मारना है मानी बुला। लड़की का नाम बताओ। सिर्फ लड़की नहीं, लड़की समेत पूरी एम्पायर चाहिए। सरार जन फारस है ना? अब बता लड़की कौन है? लड़की वही यार, मेरी वाली। तेरे वाली कोई एक हो तो समझो ना। मेरी वाली एक ही है, मेरी लुबना। तुमने शादी क्यों की थी? तुम गुस्से की हद से गुजर गई है और मैं सुनकर समझता रहा कि तुम झूठ बोल रही हो। अरे पागल लड़की, तुम्हारे साथ रह कौन सकता है? एक वही था और एक वही है जो ठीक से समझता था तुम्हें। एक बार पूछा था उसने, कहा दारिया ने शादी कर ली। मैंने कहा कर ली होगी, तुम्हें क्या? अरे नहीं, सुनकर मुस्कुरा दिया। मेरी तरह उसे भी यकीन नहीं आया। नहीं, अब वहीं रहो तुम, उसकी शादी हो जाए तो तब आना। जोया के साथ नहीं होगी उसकी शादी, वो नहीं करेगी। नहीं, नाम नहीं बता सकता। लिसन, आई हैव टू से समथिंग टू यू। आर यू देयर? आई हेट यू। उसका मतलब ये है कि आई डोंट लव यू एनी मोर। This is very bad. Quite unlike you. चुप कर बातें सुन रही थी। हेलो,
कहाँ हो? यूनिवर्सिटी में। और कहाँ? तुम कहाँ पे हो? घर पर। घर पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंचो। क्यों? वो कैंटीन में बैठा है तुम्हारी सीट पर। कौन? फारिस। तो ठीक जगह बैठा है ना, उसी के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी है मैंने। जाकर कहो उसे, उस पर अपना नाम खुदवाए और दफ्तर जाने से पहले रोज यहां बैठकर चाय पिया करे। तुम आओगे या नहीं? कैसे आ सकता हूँ जोया, घर में मेरी बीवी अकेली रह जाएगी, मेरे निकलते ही यार लड़ाई छिड़ सकती है। बीवी मतलब? माया की बात कर रहा हूँ यार। माया? यहाँ तुम्हारे पास? बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ, कहो तो बात कराऊं। हाँ करवा। अच्छा, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया। किसका? बात करो तो पता चल जाएगा। हेलो हेलो, बंद कर दिया होगा। किसी को यकीन ही नहीं होता कि माया अपने ससुराल में। बैठ जाओ वरना बाहर हंगामा हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं चुपचाप बैठ जाओ, मेरे इरादे ठीक नहीं। यहां से भागने की कोशिश की तो बाहर जाकर चिल्लाकर सबको बताऊंगा कि इस लड़की ने अपने घर के टेरेस पे खड़े होकर मुझसे कहा था कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। तुम्हारी कसम मैं कह दूंगा। अच्छा, तुम कैंटीन से यहां चली आई। इस तरह की बात के लिए वो जगह मुनासिब नहीं थी। किस तरह की बात के लिए? तुम किस लहजे में बात कर रही? लड़कियां अपने चाहने वालों से इस तरह बात करती हैं? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? आज मुझे पता चल गया कि जब लड़की को पता चल जाए कि उसका चाहने वाला उसके बगैर जी नहीं सकता तो फिर वो जीने नहीं देती। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। तो फिर किन में से आप? कुछ बीच में एक का शादी करने की इजाजत मांगते हैं ये बताने के लिए तुम नहीं तो कोई और सही। मजनू के बारे में सुना है? 10 साल वो सहराओं में भटकता रहा बेचारा, और इन 10 सालों में उसने लैला को देखा तक नहीं। वो मजबूर था, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स थे उस दौर में, ऊपर से सहरा। अरे उसके पास एक बग्गी भी होती ना तो शाम तक लैला की यूनिवर्सिटी में होता। यूनिवर्सिटी आई मीन जो महल था उसके बाहर। ने कहा तुम्हें 55 साल चाहिए। मैं समझा यू नीड सम टाइम, महीना दो महीना या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल। 55 साल में तो ऊपर मेरा हिसाब हो जाएगा और मैं तुमसे शादी ना करने के जुम्म में आग में डाला जाऊंगा। और आपसे शादी करने पर मुझे आग में डाल दिया जाएगा। उस दिन बहुत गुस्सा आया मुझे माया पर। दिल में आया कि उसी दिन आकर आपसे कह दूं कि अभी शादी कर लेते हैं इसी वक्त। फिर उसे भेजते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ से निकला तो
लगा कि कोई रग फट गई है। उसका खून मेरी रगों से निकलकर बह गया। नहीं कर सकती फारिस, मैं आपसे शादी करके अपनी बहन का सामना नहीं कर सकती। उसकी आंखों में ऐसे किसी गम का आंसू देखा तो मैं मर जाऊंगी। पचपन साल इसीलिए मांगे थे आपसे कि मरने तक आपको यकीन रहे कि मैं आपसे मोहब्बत करती रही। मतलब ये कि आओ मोहब्बत पर गुजारा कर लेते हैं। ऐसा होता है कि मैंने एक दूसरे की उतरन पहन लेती हैं, एक दूसरे का झूठा भी खा लेती हैं, लेकिन दुआ कीजिए ना किसी बहन को ऐसी उतरन पहननी पड़े और ना ही इस तरह का झूठा खाना पड़े। सच कहूं तो मुझे आपसे मोहब्बत करने पर कोई शिकायत नहीं अपने आप से, बल्कि मैं तो खुश हूं कि मैंने एक ऐसे शख्स को चाहा जो मोहब्बत का एहतराम करता है, मेरी गलत सलत बातें सुनकर चुप रहता है, मान लेता है। आपको पता है लड़कियां मोहब्बत में हो तो शादी की आरजू करती हैं, पर एक मैं हूं जो समझती है कि उसकी मोहब्बत को शादी के पेवन की जरूरत नहीं है। वो आपके पैर में उतरते ही बदसूरत हो जाएगी। प्लीज फारिस, हेल्प मी। बीच में अगर आप एक शादी भी कर लो तो मैं समझूंगी कि मेरे कहने पर 55 साल इंतजार करने पर राजी हो गए। आपकी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो पहले भी शादीशुदा थे। तूने मुझको क्या दिया, क्या दिया है बेवफाई की रसम, क्यों है तेरी इब्तिदा। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? क्यों? मेरा मतलब है बेला के घर पर, तुम्हारे मेके में या फारिस के घर में। अब मेरा पासपोर्ट भी ले लोगे? नहीं, वीजा लगवाना है। मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए मॉरिशियस चलते हैं, शादी के बाद जाते हैं ना लोग तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ। अलमारी में मेरी जूती पड़ी है, उससे ले जाओ, हो जाएगी तुम्हारे साथ। लेकिन मॉरिशियस तो बहुत पसंद है ना तुम्हें। मुझे याद पड़ता है एक बार तुमने फारिस से कहा था कि आज के आज जाना है, और वो बेचारा उसी दिन वीजा लगवा के टिकटें खरीद लाया था। तुम खुद को फारिस से कंपेयर कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। फारिस जैसा घटिया आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। बीवी की एक बेशरम ख्वाहिश पर एक लोफर इंसान के साथ जाने दिया, उसकी जगह मैं होता ना। खैर जाने दो। नहीं बताओ, तुम होते तो क्या करते? गलत वक्र मार देता तुम्हें।
तुम्हारे स्वयं पे शादी कर लेता। अठारहवीं सदी के दखियनों से मर दूंगा। मेरी एक बात याद रखना स्वीट हार्ट, मर्द दकियानूसी ना हो तो कभी शादी ना करे। बीवी बाजारी औरत से 10 गुना महंगी पड़ती है, और 10 गुना कीमत हया। और वफा की देते हैं हम, आईना देखते हुए तुम्हें ही लगता है ना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो गलत फहमी में हो तुम। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?